इलाफ मीडिया में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं इलाफ न्यूज़। AICC अध्यक्ष श्री राहुल गांधी 3 मई 2018 को कर्नाटका असेंबली इलेक्शन की कैंपेनिंग करते हुए बीदर दौरे पर थे। इनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडरे और कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद थे। यहां उन्होंने अपने भाषण में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि विदेशी कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री को ये कहा गया हो कि आपके देश में महिला सुरक्षित नहीं है। ये कहते हुए राहुल गांधी ने श्री नरेंद्र मोदी को शेम शेम कहा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सारी दुनिया में पेट्रोल के दाम कम हो रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इसका फ़ायदा किसको हो रहा है। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि जितने भी वादे नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। किया है तो देश में नफरत फैलाने का काम किया है। और उन्होंने कटवा कांड पर श्री नरेंद्र मोदी जी के खामोशी पर भी सवाल उठाए। अंत में उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट देकर भारी बहुमत से कामयाब बनाने की अपील की। मेड इन चाइना, हमारे सामान भी सब में है, मेड इन
किया मेरी गवर्नमेंट का। मगर मोदी जी डॉक्टरों के पास चाइना जाते हैं, उसी दिन पहले चाइना गए और चाइना में नरेंद्र मोदी जी के मुंह से ढोकलाम शब्द तक नहीं निकलता है। बातचीत होगी हमारे बीच में। अरे भाई आपने अपनी सेना ढोकला में भेजी, ढोकला में बातचीत नहीं होगी क्या? नहीं, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चाइना में ढोकला की बात नहीं करेगा, वहां पे चाइना के राष्ट्रपति के साथ चाय चखेगा। मैं सब बता रहा हूं, अखबार में आया टेस्टिंग की मोदी जी ने चाय चखी वहां पे, चाइनीज चाय चखी, मगर ढोकलाम की बात नहीं की। ये सच्चाई है, पेट्रोल के दाम गिरे आपके जेब से पैसा आ जाए, चाइना के साथ चाइना के राष्ट्रपति के साथ हम चाय पियेंगे, बातचीत होगी, मैं ढोकलाम की बातें होगी। पहली बार बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए जवाहरलाल नेहरू, आई के गुजराल, गौड़ा जी, वाजपेयी, बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को कहा गया, हिंदुस्तान में नहीं हिंदुस्तान के बाहर एक फंक्शन में कहा गया, नरेंद्र मोदी जी आप हिंदुस्तान की महिलाओं की रक्षा नहीं कर रहे हो। शेर शेर पहली बार कैंडिडेट्स हैं, रहीम खान जी हैं,
से इस प्रदेश को आगे ले जाइए। दिल से आपका बहुत धन्यवाद है, आपका समय है, आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इसके लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। हमारे चाहते नेता और AICC के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, हरिप्रसाद जी, जॉन शेट्टी जी, शैला जी और इस मंच पर बैठे हुए मेरे प्यारे भाइयों और सामने जो सुनने के लिए बड़ी तादाद में आए हैं मेरे भाइयों और बहनों, नौजवानों और प्रेस के मेरे दोस्तों, अभी राहुल गांधी जी ने बड़े सरिस्ता के साथ अपने विचारों को आपके सामने रखा है और आज देश में क्या हो रहा है और मोदी जी क्या कह रहे हैं और क्या कहते हैं और क्या कर रहे हैं, इसके बारे में तफसीली के साथ उन्होंने बताया। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, जो मोदी जी वायदे किए थे उन वायदों को वो पूरा नहीं कर पा रहे। हुकूमत में आने से पहले उन्होंने ये कहा था कांग्रेस पार्टी को आप 7 साल हुकूमत करने के लिए मौका मिला, मुझे सिर्फ 7 महीने का मौका दीजिए, मैं इस देश में जो काला धन भारत कर रहा था इस देश का वो मैं लाऊंगा और हर एक के जेब में 15-15 लाख भरूंगा। आज तक किसी को 15 पैसे भी नहीं मिले, 15 लाख तो छोड़िए, उन्हें बहुत कांग्रेस के ऊपर हमारे ऊपर हमला बोला और देखा भी की और याद कर दिन मैंने कहा बीडर में घटना घटी रोड की तो कांग्रेस ने क्या किया, कैंडल लेकर वहां क्यों नहीं गए, ये मोदी जी ने पूछा वहां के लोगों को। लेकिन मैं बताना चाहता हूं जब वो घटना मेरे स्कूल में हुआ था कांग्रेस पार्टी 24 घंटे में उसको अरेस्ट करके चले गया। ये हिम्मत क्या लूटे ने बीजेपी सरकार की, क्या जम्मू कश्मीर में की, राजस्थान में की, मध्य प्रदेश में की, मैं पूछना चाहता हूं।
लेकिन करने की हिम्मत उनके पास नहीं है, उल्टा उनके एमपीज, उनके एमएलएस जो रोप करते हैं, जो अत्याचार लोगों के ऊपर करते हैं, उनको बचाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए जुलूस निकाले जाते हैं, तो ऐसे बीजेपी के लोग हमको नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। अरे हम तो नीति के मार्ग पर चलने वाले, हम तो महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ऐसे महान तत्वों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए हमको उनसे कोई सबक सीखने का नहीं है। इस देश में शांति का माहौल बिगाड़ने का काम अगर कोई कर रहे हैं तो बीजेपी वाले कर रहे हैं, खासकर मोदी जी और अमित शाह अपने भाषणों से, अपने कहने से बहुत से बुराइयां वो फैला रहे हैं। लेकिन हम सबक के साथ काम कर रहे हैं क्योंकि देश हमको प्यारा है, तिरंगा झंडा हमको प्यारा है, इसको बचाने की कोशिश हम कर रहे हैं। और इस देश में जो संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया है और कांग्रेस ने संपूर्ण उसको सपोर्ट करके एक संविधान तैयार किया है, उस संविधान को बचाने का काम, सुरक्षित रखने का काम हम 70 साल से किए हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। लेकिन मोदी और मोदी जी के लोग उस संविधान को निकालना चाहते हैं। गरीबों को दिए हुए जो हकूक है, बुनियादी हक है, उन हकूकों को छीनना चाहते हैं। आपकी बात करने की आजादी, खाने की आजादी, चलने की आजादी और कौन से कपड़े पहनना, कौन से कपड़े नहीं पहनना, कौन सा खाना खाना, कौन सा नहीं खाना, इसके बारे में वो सोचते हैं। सुनिए सुनिए, इसीलिए हमको उनको सबक सिखाना है। ये जो चुनाव है ये सिर्फ वहीन खान साहब का नहीं या ईश्वर खंडे साहब का नहीं है, ये चुनाव दो विचारों के बीच में का है। आपको क्या इस देश के संविधान के तहत चलने वाले सरकार चाहिए, क्या जो संविधान को तोड़कर लोगों में झगड़ा लगाने की सरकार चाहिए, इसका आपको निर्णय करना है। कर्नाटक में भी वो कोशिश हर जगह की है, लेकिन यहां पर हमारी सरकार मजबूत होने की वजह से उनका कुछ नहीं चला। छुपा भी बहुत मारते फिरने दो, लेकिन उनकी हिम्मत क्या नहीं हो रही है, क्योंकि यहां की सरकार बड़ी मजबूत है। और हमने जो कहा वो करके दिखाया है। हमारे जो स्कीम्स है, कांग्रेस पार्टी के जो योजनाएं है, उसको सिद्धारमैया ने लागू किया, आपको उसका फायदा हुआ, चाहे वो बापुर के हो, माइनॉरिटीज के हो, जनरल के हो, दलित के हो, सबको एक न एक स्कीम का फायदा उनको मिला है। महिलाओं को मिला है, बच्चों को मिला है, बूढ़ों को मिला है, यह हमारी ध्यान है। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, यहां पर एक 2-3 महीने पहले मोदी जी आए थे, आकर उन्होंने एक
रेल का उद्घाटन किया। अब तो आ गए ना, उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो योजना थी वो सालों से बनी हुई थी, हमने इसको सिर्फ 2 साल में कंप्लीट करके 20 से ऊपर का ब्रेक लेके जाएगा। लेकिन आप सभी को मालूम है हमने ही किया था, थोड़ा सा काम बचने को वही 6 महीने में हम कंप्लीट किया है। लेकिन टनल का थोड़ा सा काम रहने की वजह से वो उद्घाटन करने का रुक गया था। उन्होंने उद्घाटन करके ये कहा कि मैंने किया, हमने किया, ऐसा बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, मेहनत करा मुर्गी सर, अंडा खाया फकीर सर। मेहनत हम किया और ये फकीर सर आके बोल रहे हैं कि मुझे अंडा। तो ये कि नहीं, आप लोगों को इतनी तकलीफ दी करेंगे। जरा सुनो तो सुनो, मोदी जी उनकी गवर्नमेंट उन्होंने कभी भी बीडर से बैंकों को ट्रेन नहीं दिया। हमने आपको 1 महीने में बीडर से बैंकों को एक नया ट्रेन दिया और जिसमें आज लोग सब जा रहे हैं। मोदी ने बनाया, ये सारे कांग्रेस के हैं, योगी गवर्नमेंट के हैं। और हमारी सरकार जब हुकूमत में थी उस वक्त बनाए, और आज सिद्धरामैया के नेतृत्व में भी जो कुछ हमने हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था उसका पूरा पूरा हमने अमल किया है। आप वोट क्या अमल करने वालों को देते हैं, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, ये दोनों जो सरकार है जुमले के सरकार है, ये काम करने वाले नहीं है। काम करने वाले जो हम है वो परसों बोल रहे थे कांग्रेस वाले सिर्फ नामदार है और बीजेपी वाले कामदार है, ये उल्टा है। सब करके दिखाए, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता। आप 12 तारीख को तय करके ज्यादा वोटिंग कराना, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराकर हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को जिताओ, कांग्रेस की हुकूमत फिर से लाओ और मजा दे दो। हमको सबक सिखाना है, आप कृपा करके सब मिलजुल के काम करो। आखिरी में इतना ही कहूंगा कि मंजिल बहुत दूर है, मंजिल बहुत दूर है, रास्ता बड़ा कठिन है, फिर भी हमको पहुंचना है। दिल मिले या ना मिले, कम से कम हाथ मिलाते चलो। इतना कहकर